दोस्तों आज मैं बताना चाह रही हूँ ऑटोडेस्क में आपको चार ट्रिप्स, ठीक है। तो मैं फ़ोटो को पहले शेयर कर रहा हूँ ऑटोडेस्क में, और आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, तो आप वीडियो इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि चार ट्रिप बताने वाले हैं आपको हम। एक से एक बेहतरीन ट्रिप है, आप देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप बहुत कुछ सीख भी पाओगे। तो मैं सबसे पहले आपको स्मूथ वाला ब्रश दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहला ट्रिप स्मूथ का है। तो स्मूथ का ब्रश का साइज अभी देख लो, आपको यही साइज रखना है, फॉलो 4 रखना है, स्ट्रेंथ आपको मतलब 15 रखना है, 14-15 रखना है, ठीक है। साइज आपको फ़ोटो के मुताबिक रखना है। तो मैं पहले फ़ोटो अपना जूम कर रही हूँ, और जूम करके मतलब स्मूथ करो, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ऑटोडेस्क में जब भी फ़ोटो स्मूथ करो तो आप फ़ोटो पहले जूम कर लो, जितना जूम करके फ़ोटो स्मूथ करोगे उतना ही अच्छा फ़ोटो बनेगा, और जल्दबाजी नहीं, अब जितना आराम आराम से करोगे उतना ही अच्छा से बनेगा। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, तो क्योंकि अगर मैं वीडियो फास्ट नहीं करता तो ऑटोडेस्क में मतलब काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ। और आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमको बताना कमेंट करके, क्योंकि ऑटोडेस्क में फ़ोटो बहुत लोगों को मतलब बनाने भी ना आता है, तो आप गाड़ी खुली अपना वीडियो देख के बना लीजिएगा। और स्मूथ नहीं करने आता है तो मैं इससे पहले भी वीडियो बना दिया हूँ, तो आप टेंशन ना लो, और आपको आराम आराम से ब्रश मतलब ये स्मूथ करना है। ऑटोडेस्क में आप जब भी फोटो स्मूथ करो, ठीक है, आप जब भी स्मूथ करो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आप जितना टाइम दोगे आपका फ़ोटो उतना ही बेहतरीन बनेगा। तो मैं ये वीडियो फास्ट किया हूँ क्योंकि आप जान ही रहे हो, तो इसमें मैं भी हूँ, और मेरे खास करके मेरे पर्सनली मतलब मेरे अपने दोस्त है, भैया भी है, दोस्त भी हैं, तो इनके लिए मैं अपना खास वीडियो बनाया हूँ। तो वीडियो फास्ट में बता रहा हूँ आपको, स्मूथ अगर आपको नहीं करने आता है तो आप यूट्यूब, इससे पहले मतलब एक और मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आज आप जाकर वहाँ पे भी देख सकते हो। तो मेरा ये पहला ट्रिप मतलब कंप्लीट हो गया स्मूथ का, ठीक है दोस्तों। और जहाँ जहाँ काला काला हो रहा है तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा, अब बस आप कमेंट करके बता देना अगर कोई दिक्कत होगा तो। तो मेरा पहला स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा स्टेप बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त बोला था कि भैया रेड लिप मुझे मतलब नहीं करने आता है, वो किस ब्रश होता है, तो देख लो दोस्तों यही ब्रश है, आपको फ्लो सौ ही रखना है, और साइज आपको मतलब हिसाब से रखना है, ठीक है। और इसके लिए आपको न्यू इंटीरियर लेना पड़ेगा, न्यू इंटीरियर लेने के बाद आपको जूम कर लेना लिप्स पे, और आराम आराम से मतलब ये ब्रश लाना है, ठीक है। और आपको इंटीरियर में जाना है, और एपिसिटी को आप कम करके या ज़्यादा करके देख सकते हो, आपको फ़ोटो के मुताबिक रखना है, मतलब आपको कितना रखना है, ठीक है। तो मैं अपने फ़ोटो के मुताबिक मतलब रख रहा हूँ, तो मेरा इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं भी अपने पे मार लेता हूँ थोड़ा, और देख लो दोस्तों जिनका कमेंट आया था कि भैया रेड लिफ्ट में नहीं करने आते हैं, तो यही है रेड लिफ्ट वाला, मतलब बहुत बहुत लोगों को मतलब इसलिए ऑटोडेस्क में नहीं करने आता है रेड लिफ्ट, ठीक। तो यही था, और आप इसमें और भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसमें एक और मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, जैसे रेड लिफ्ट ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, आप ओपेसिटी पहले आप कम कर देना, क्योंकि आपको ज़्यादा लगे तो मेरा अपने फ़ोटो के मुताबिक रखा हो तो मेरा इतना सही है। और मैं बैलेंस तो जो कलर बैलेंस होता है आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं करना था तो ये भी देख लो, इंटीरियर में जाना है, और जो कलर बैलेंस होता है उसको आप करके अपना बैलेंस जो बता रहा हूँ इस पर जाना है, और कलर बैलेंस अपना मतलब पूरा ध्यान से करना पड़ेगा,
इससे यही होता है कि फ़ोटो मतलब शाइनिंग ज़्यादा आता है और बढ़िया दिखता है। तो खास करके आपका एक तीसरा जो पॉइंट है, खास करके मतलब रील बढ़िया वाली है, क्योंकि कलर बैलेंस मतलब लाइटरूम से भी अच्छा होता है, क्योंकि लाइटरूम मतलब नॉर्मल होता है उसमें, लेकिन इसमें अब अगर सही से वो करोगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। और चौथे आपको स्टेप बता रहा हूँ कट आउट का, ठीक है? तो इतना खास ना है, फिर भी आप देख लो, आपका जिनको नहीं आता है तो आपको साइज यही रखना है और कट आउट का ऑप्शन तो कर यही है। ये 12 हो गया था, तो माइनस कर रहा हूँ, फिर से इसे कट आउट करते हैं। तो जिनको अगर कटआउट का भी वीडियो चाहिए तो मैं इनके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, मैं ऐसे ही शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है? तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो। और मेरा ये भी एक लिप्स का स्मूथ बच गया था, तो इसे भी स्मूथ कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि अब मतलब लिप्स पे जो अपना वो कर रहे हो तो इसको स्मूथ नहीं करोगे तो थोड़ा ख़राब लगता है, ठीक है? तो आप रेड लिप करने के बाद अब इसको भी स्मूथ कर दीजिएगा। मेरा भी थोड़ा अपना मार लेता हूँ, चलो दोस्तों मेरा ये मतलब फाइनली हो गया, मेरा वीडियो फोटो कंप्लीट हो गया। तो मैं कलर बैलेंस फिर से एक बार और कर रहा हूँ, तो देख लो आपको कैसे करना है। तो मेरा मतलब कलर बैलेंस दो होता है, अगर जिनको कलर बैलेंस का भी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगा। फिलहाल के लिए आप ये देख लो, कलर बैलेंस वही होता है, वाइट आप जितना रख सकते हो, रेड जितना रख सकते हो, आपकी फोटो को मुताबिक रखना है, ठीक है? और देखो दोस्तों मेरे फोटो में कितना शाइनिंग आ गया, मतलब सिर्फ कलर से ही आपको फोटो में ज़्यादा शाइनिंग आता है और फोटो काफ़ी मतलब बेहतरीन दिखता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो कोई भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, ये मेरे भैया जो है, तो इनके लिए मैं अपना वीडियो बनाया था, ये मेरे दोस्त भी है और भैया भी। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, बाय।